रीवा की जहां जिले के डभौरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल जहां सरकार ने नाबालिग लड़कों और लड़कियों की शादी में रोक लगा रखी है, इस बात की जानकारी गांव-गांव गली-गली चौराहे में पहुंचा रखी है। यहां तक कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया है कि नाबालिग लड़की की शादी रचाने वालों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाए। लेकिन इस कानून का पालन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किस कदर किया जा रहा है, इस संबंध में रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र के ग्राम लफंदा से एक मामला सामने आया है। रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र के ग्राम लफंदा में आदिवासी लवकुश कोल ने अपनी नाबालिग 15 वर्षीय किशोरी का, जिसका जन्म विद्यालय रजिस्टर के मुताबिक 2007 में है, उसकी शादी राजस्थान से आए एक लड़के के साथ बहला फुसला कर 14 जून 2022 की रात्रि में करवा दी। वही मामले की सूचना ग्रामीणों के द्वारा डाल 100 पुलिस को दी गई और जिसके बाद पुलिस के कर्मचारियों ने मंडप से लड़के के भाई और लड़की के पिता को डभौरा थाना लाया। रात भर उन्हें डभौरा में थाने में बिठा कर रखा, जिसके बाद नाबालिग लड़के और लड़की की शादी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने सुबह 9 बजे के आसपास छोड़ दिया। मामले में डभौरा पुलिस अपने बचाव के लिए दोनों तरफ से लिखवा कर रख ली कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। चलो पहले जन्म वाला काम नहीं आया था, पहले आधार कार्ड बनता नहीं रहा भैया। चलो ये करो, ये भाई है लड़की के, है ना, चलो ये पिता है और लड़का कहाँ भैया, भाई कहाँ है, शादी करने आए हो, कहाँ है लड़का, तो यहीं पे बुलाओ ना उसको, बुला ले, बुला भी बुला, जल्दी बुलाओ, गुड़िया कई साल का है तुम, अब तू है बेपापर तो कहा है तुम्हें, अरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था भाई, जाना हरीश तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, महापौर राष्ट्रीय। ये जो एक नाबालिग लड़की का मामला आया है, इसमें आप क्या कहना चाहें? ये मामला डभौरा थाना के ग्राम लफंदा में आया है और इसमें पुलिस डायल 100 नंबर गई थी, लड़की लड़के के पक्ष माता पिता को पकड़ के लाए और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया और पता चला कि नाबालिग लड़की की शादी राजस्थान में की गई है। नाबालिग लड़की की शादी करने के लिए भारत सरकार द्वारा रोक लगाया गया है और पुलिस के द्वारा लाना और छोड़ देना पुलिस को संदेह के दायरे में रखता है। ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने पैसा लेकर के मामले को रखा था, इसलिए पकड़ना कायम नहीं किया गया। और ये भी पता चला है कि लड़की जो है राजस्थान जा चुकी है, वर्तमान में नहीं है, ऐसी जानकारी है। सवाल ये उठता है कि अगर वो लड़की बालिग थी तो फिर उनको माता पिता को उनको थाने क्यों लाया गया, दोनों पक्ष को, और अगर नाबालिग थी तो फिर उन्हें थाने छोड़ा क्यों गया, इसके पीछे रहस्य है। लोगों को ऐसा कहना है, तमाम हल्ला मचा, पुलिस पैसा लेके छोड़ती, निश्चित रूप से पैसा लेके पुलिस वालों ने मामले को रफा दफा कर दिया है। और मैं एसपी रीवा से चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं है, लड़की की शादी रोक दी गई है पुलिस वाले कहते हैं, तो 24 घंटे 6 घंटे के अंदर पुलिस वाले लड़की को बताएं।